शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कॉलेज पहले से ही एंटी नेशनल नारेबाजी और अनुशासनहीनता के लिए फेमस है, लेकिन आज इस कॉलेज में पढ़ने वाले एक छात्र की मौत ने नई सनसनी मचा दी है। पहले से बदनामी झेल रहे इस कॉलेज के मामले में पुलिस कभी भी संजीदा नहीं दिखाई देती है, लेकिन इस बार हुई इस बड़ी घटना को दबाना पुलिस के लिए आसान नहीं होगा और मैनेजमेंट का बड़ा और पावरफुल रसूख भी शायद कम पड़े। पहली नजर में देखने में ये एक ड्रग ओवरडोज का केस लगता है। बाकी आगे देखते हैं कि पुलिस किस दिशा में काम करती है या हर बार की तरह कुछ नहीं करती है। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं गीता, भारत न्यूज के लिए। साहब, मेरा काम ही ऐसा है जिसमें साम दाम दंड भेद भेद ज्ञान सब लगाना पड़ता है। चिंता ना करिए, आपका काम हो जाएगा। ओके, गुड मॉर्निंग शुक्ला जी। मॉर्निंग और सर, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्यों डर गया ना बुड्ढा? अरे आपसे तो अच्छे अच्छे डर जाते हैं, बुड्ढे की क्या औकात है। लगता है बुड्ढा लंबा जिएगा। लो फोन भी आ गया। अंकल जी, आपने जो प्रपोजल दिया ना, मजा आ गया। और वैसे भी नोटबंदी के बाद ऐसे प्रपोजल कहाँ मिल रहे हैं। और रही बात आपके देखरेख की, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपके मरने तक आपका पूरा ख्याल रखूंगा। और वैसे भी इतनी ब्यूटीफुल और रोमांटिक जगह की आपको क्या जरूरत है। उस जगह पे ना मैं अपना पर्सनल पार्टी हाउस बनाऊंगा, उससे आपका भी मनोरंजन होता रहेगा। क्यों
तो बस अब जल्द से जल्द पेपर वर्क कर दीजिए। हाँ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, हाँ मोरिया। चलिए। क्यों शुक्ला जी, सही है? आप जो भी करते हैं कमाल करते हैं। स्टार्ट साउंड, रोल कैमरा एंड एक्शन। और शक्तिवर्धक, पुरानी से पुरानी जर्जर इमारत को भी हिला दे। अबे शक्तिवर्धक, पुराने से पुराने। कट कट कट। अबे हवस के पुजारी, थर्माकोल बार ले, अपने काम पे ध्यान दे दूसरी जगह ध्यान देने की बजाय। रोल कैमरा एक्शन। शक्तिवर्धक, पुरानी से पुरानी जर्जर इमारत। मारा रे। ये लीजिए मैडम। कहां कहां से पकड़ के लाते हो ये अनप्रोफेशनल लोग। मैं सॉरी मैडम, मैं सॉरी हूं ना मैडम। तुम्हारे सॉरी से मेरा मेकअप का खर्चा नहीं आता। अब ये बताओ मेरा चेक का क्या हुआ? हाँ, प्रोड्यूसर आ रहा है शाम को, बुला लिया मैंने। डिनर भी फिक्स कर दिया आपका उसके साथ में। सिर्फ डिनर ही ना, क्योंकि मैं किसी और मूड में नहीं हूँ। नहीं नहीं मैडम, देखो आपकी मर्जी के बिना दूसरा काम हो सकता है क्या? मैंने कभी आपको फोर्स किया क्या कभी लाइफ में? फिल्म लाइन में तो ये सब जो आप तो जानती है ना मैडम, मैं तो कुछ करता ही नहीं। तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो 4 साल पहले कांड किया था उसके सारे सबूत। हाँ नदीम, नदीम 35-40 है आज। हाँ कितना करना है जल्दी बता, दिमाग की माँ बहन मत करो उधर, गोरों ने हालत खराब कर रखी है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ विपुल भाई, विपुल भाई 2 मिनट लाइन पर रहो आप। हेलो हेलो, हाँ नामिका, व्हाट आर यू सीरियस? चार साल पहले जो तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने जो कांड किया था उसके सबूत मेरे पास हैं। मैम बहुत दिनों के बाद आई, बीच में बहुत अच्छा ऑफर था। एक मिनट। हेलो हेलो निकिता, एक प्रॉब्लम हो गया है। वो 4 साल पुराना जो अपना कांड था उसके बारे में किसी को पता चल गया है शायद। अनामिका का फोन आया था मुझे, उसने सब लोगों को मैसेज भेजे हैं, शायद तुमको भी आया होगा। मैं सब लोगों से कांटेक्ट करता हूँ और तुम जहाँ पे भी हो तुम घर पहुँचो, मैं कल आता हूँ। ओके बाय।
हाय, डॉक्टर त्रिपाठी है? मैडम, डॉक्टर त्रिपाठी अभी आए नहीं है, लेकिन कुछ ही देर में आने वाले हैं। Then I'll wait for him. Yes, ma'am. तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने 4 साल पहले का सलाम भाई। क्या बात है, आप पैसे खुद लाए? जावेद भाई का काम मैं खुद करता हूँ। अच्छा, जावेद भाई इसी अदा पे तो फिदा है। दुआ सलाम बोलना। योगिता से मेरी बात हो गई है, आदि और रमन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सूरज, रमन के अलावा सबसे बात हो गई है, हमें अनामिका के घर मिला।
मुझे लगता है कि कोई शायद हमसे मजाक कर रहा है। लेकिन कौन कर सकता है? कोई भी हो सकता है। चार साल हो गए हमें कॉलेज से पास आउट हुए, अब ये 4 साल बाद यार कौन है ये और ये हमसे चाहता क्या है? वही तो यार, 4 साल हो गए कॉलेज से निकले, पता नहीं अब ये कौन पीछे पड़ा है। याद तो कोई अजनबी है, लगता है इसे निपटने के लिए हमें अपने पुराने 4 साल वाले रंग में आना पड़ेगा। योगिता एक बार फिर रमन का फोन ट्राई करो ना। ओके। उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है और फोन की बैटरी भी लो है, अंदर चल के बात करते हैं। यार रमन का फोन अभी भी नॉट रीचेबल आ रहा है, लग ही नहीं रहा है। अरे यार गाइस, रमन का फोन आया। हाय योगिता, कैसी हो? हाय रमन। रमन, तुम्हें कोई मैसेज आया क्या? मैसेज? कैसा मैसेज? यही कि हमारा 4 साल पहले वाला कांड जानता है और उसके पास प्रूफ भी है जिसके लिए वो हमें नेगोशिएट करना चाहता है। नेगोशिएट? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, उसने हम सबको एक मैसेज किया है और हमें एक जगह पे बुलाया है और कहा है कि वहाँ तक जाने के बाद उसका कोई बंदा है जो आएगा और हमें वहाँ तक लेकर जाएगा। ओह शिट। बताओ कि अब हम सबको क्या करना है। ये कौन हो सकता है? एक काम करो, मुझे सारी डिटेल सेंड करो और अपने फोन का ना GPS ऑन रखो ताकि मैं तुम लोगों को लोकेट कर सकूं। ओके? और तुम लोग निकलो, मैं सब ट्रैक करने की कोशिश करता हूं। ओके? टेक केयर, बाय। ये आदमी ना फालतू का सस्पेंस बढ़ा रहा है, फोन पे बता देना चाहिए था ना क्या चाहिए इसको। वही तो यार, क्या मुझे लगता है बात नेगोशिएशन की नहीं है, उसका प्लान कुछ और है, ये उसको मिलके ही पता लगेगा। अरे तुम लोग इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हो, उसकी भेजी हुई गाड़ी हम तक आ ही जाएगी। मिलने का मन तो मुझे भी है। तुम लोगों को नहीं लगता कि हमें कोई प्लान बनाना चाहिए? आखिर हम लोग वहाँ जाके करेंगे क्या? बेबी, प्लान तो हम तब बनाएंगे ना जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमारे साथ होने क्या वाला है। प्लान है क्या? एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करनी पड़ेगी। मैं बताऊं, अगर आप लोग मानो तो, ये सब फालतू है यार, चलो यहाँ से निकलते हैं। बेबी, जेल में ना सोने और हगने की एक ही जगह होती है। देखना पड़ेगा कौन है, देखते हैं क्या करना है। चले साहब। आप सभी लोग अपने अपने फोन मेरे हवाले कर दीजिए। लेकिन फोन? 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 लेकिन क्यों? मुझे जैसा कहा गया मैं वैसा ही कर रहा हूँ। फोन क्यों? फोन? इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग मेरी बात मानिए। ओके ओके कूल, अपने अपने फोन दो मुझे, लाओ। ये लो। ये हमारे फोन्स। थैंक यू। अनामिका, रमन हम तक कैसे पहुंचेगा? कि भी यहां पहुंचने का इंतजाम कर ही लिया होगा।
ये क्यों? गाड़ी में स्मेल बहुत आ रही है सब। स्मेल? नहीं तो? नहीं मैडम, आ रही है। रुके, मैं रूम फ्रेशनर मार देता हूँ। ये जहाँ क्या हुआ है हमारे साथ? कहाँ हैं हम? कुछ याद नहीं आ रहा है। सर चकरा रहा है। हम लास्ट टाइम कार में थे ना? हाँ। कहीं वो ड्राइवर ने हमारे साथ तो कुछ नहीं किया? हाँ? वो देखो, वहाँ पे कोई घर है। ये क्या है? कौन सी जगह है? कोई घर जैसा तो दिख रहा है यार। क्या करें? गाइस, चल के देखिए क्या? नहीं नहीं, पता नहीं क्या होगा। नहीं 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 नहीं, देखते हैं। नहीं नहीं भाई, चलो टेंशन मत लो, देखते हैं। मुझे तो डर लग रहा है। फोन है तुम्हारे पास? है तो सही, इसमें बैटरी नहीं है और चार्जर भी नहीं है। चल गया। कोई है? अंदर कोई है क्या? हेलो हेलो, इस पर तो ताला लगा हुआ है। देखो कहीं कुछ और मिले। मैं इधर देखती हूँ। यहाँ कौन रहता होगा? ये जगह कौन सी है और तुम कौन हो? यहां हम लोगों को किसने बुलाया? क्या चाहता है वो? इतने सारे सवाल, सब्र रखो, जवाब मिल जाएंगे। फिलहाल तो
अंदर जाके आराम करो। जाओ। शायद ये जानता है कि हमें यहां किसने बुलाया है। ये जगह शहर से काफी दूर है, बिजली तो है लेकिन पता नहीं कब आएगी। कई बार तो 2-3 दिनों तक दर्शन नहीं होते। मुझे तो जैसे इस अंधेरे की आदत सी हो चुकी है, मगर आप लोगों को शायद थोड़ा वक्त लगे। अजीब भूतिया जगह है यार, किसी को मार कर भी गाड़ दे तो पता ना चले। क्या भूतिया, भूत वूत थोड़ी ना होते यार, ये तो सब मन का वहम होता है। नहीं यार, भूत तो होते हैं, और इस दुनिया में जिस भी चीज का नाम है ना, वो है तो जरूर। और इस बात पे ना मेरा एक तर्क है कि हमारे आसपास कितने सारे लोग होते हैं जिन्हें हम छूके तो नहीं देख सकते ना, और पता नहीं उनमें से कौन है जो सिर्फ हमें दिख रहा है और वो है ही नहीं। मैं हूं ही नहीं, मैं मर चुकी हूं। यकीन ना आए तो छूकर देख लो। बेबी, सब भूत एक जैसे थोड़ी होते हैं। गाइस, ये भूत भूत का चक्कर छोड़ो और इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालो। और इस आदमी का क्या सीन है? मुझे लगता है ये बुड्ढा जो है ना, इस जगह का केयरटेकर है। यार वो तो ठीक है, पर निकिता कहाँ गई? निकिता वॉशरूम गई होगी आई थिंक। के लिए खाने का इंतजाम कर रहा था। हम यहां तुम्हारा मटन खाने नहीं आए बुड्ढे, हमें सिर्फ यह बताओ कि हमें यहां किसने बुलाया और क्यों बुलाया है। मैं क्या जानू, जिसने बुलाया है उसका इंतजार तो करना पड़ेगा, वो खुद आता है जाता है।
मेरा गुलाम नहीं है, समझे? सॉरी। तो आप यहाँ क्या करते हो? मैं यहाँ का मालिक हूँ। मालिक? मेरा मतलब है था। मतलब मालिक थे, अब नहीं हो। हाँ, अब नहीं। पता नहीं तुम उधर देखो, मैं इधर देखती हूँ। निकिता, निकी, निकी, निकिता। सकड़ी लाश, हाथी लाश। कैसी लाश? कौन सी लाश? लाश नहीं, नहीं, मैं देखता हूँ। नहीं, अरे ये तो मेरे शहद की मटकी है, मक्खियों की वजह से ढक के रखा हुआ है। वैसे आप लोगों का खाना तैयार हो रहा है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर चलकर इंतजार करिए, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा के आता हूं। एक तो ये अजीबोगरीब आदमी और ये अजीबोगरीब जगह, क्या जरूरत थी तुम्हें यहां से उठ के जाने की? अरे यार, वॉशरूम के चक्कर में भटक गई थी। निकिता, तुम्हें पता है ना हम ऑलरेडी कितने प्रॉब्लम में हैं। बताए ना यार, वॉशरूम के चक्कर में। वॉशरूम। एक तो ये तुम्हें घड़ी घड़ी वॉशरूम क्यों जाना होता है? बुड्ढा तो मटन बना रहा है, मैं तो वेजिटेरियन हूं, मैं क्या खाऊंगा? दिमाग खराब हो गया तेरा? आदि, यहां पे पिकनिक के लिए आए हो कि मेन्यू में तुम्हें वेज? हाँ,
कैसी आवाज थी? ये क्या कर रहा है यार? चाचा, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैं किसी का चाचा नहीं हूं, परशुराम मैथ्यू नाम है मेरा, और ये गड्ढा नहीं है, कब्र है। कब्र? पर किसकी? बेचारा उस कमरे में जाने की कोशिश कर रहा था जहां जाने की मनाही है, शायद दम घुटकर मर गया। कौन सा कमरा और कैसे मनाही? एक कमरा है जहां जाने की मनाही है, उस कमरे को मेरे सिवा और कोई नहीं खोल सकता, और शायद वहां कोई है जो ये नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा भविता वा न भूयावह, अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरती है, न शरीर के साथ उसका जन्म होता है न शरीर के मरने पर वह मरती है। आत्मा अमर है, अमिट है और समय से परे है। आप परशुराम मैथ्यू हो? इसका मतलब आप क्रिश्चियन हो? तो फिर गीता का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है? सत्य सत्य होता है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, और ये भी तो एक सत्य है। अब देखो ना, पिछले हफ्ते एक बिल्ली मर गई थी, उसे भी यहीं दफनाया है। लगता है कि आप लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है, शायद वो आ गया है जिसने आप लोगों को यहां बुलाया है। जाइए, तब तक मैं अपने काम निपटा लेता हूं। वेलकम टू माई हाउस। आप सभी लोगों का इस घर में स्वागत है, और यहां लाने में जो आप लोग को तकलीफ हुई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और हां, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आप लोगों का ख्याल रखने के लिए रमन, तुम ये क्या कर रहे हो यार? यू इडियट, स्टूपिड, क्या है ये सब? ये क्या गंदा मजाक है यार? गाइस, एक मिनट। अबे यार, मेरी बात सुनो पहले। क्या बदतमीजी है? दिस इज नॉट फनी यार। एक सेकंड, पागल है क्या? क्या है सब? अरे मैं बात सुन रहा हूं, मैं सब बताता हूं। अरे मैं पागल बना के रख दिया क्या? प्लीज, अरे ओ ओ मारो, अरे अनामिका प्लीज, सब लोग लिसन, रुको, वेट वेट वेट, ओके वेट।
आप सभी का इस घर में स्वागत है। करेगा तू? अरे स्वागत को यार, अरे अरे यार मारना बंद करो यार, सब बताता हूँ तुम लोग को। क्या बताओगे तुम? क्या कहोगे? मेरी बात सुनो। नहीं सुनी तुम्हारी कोई बात। एक मिनट के लिए मेरी बात सुन लो, मैं सब बताता हूँ, सब समझाता हूँ। ओके वेट गुड। यार हम लोग क्या अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए थे कि हम लोग आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, और तुम लोगों से मिलने की मैंने इतनी कोशिश की, मगर तुम लोग कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेते थे। 4 साल हो गया उस कांड को, 4 साल। हाँ माना कि हमने डिसाइड किया था कि जब तक ये मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक हम आपस में ना मिलेंगे और ना बात करेंगे, मगर अब ये मैटर सॉल्व हो गया है, अब क्या है प्रॉब्लम मिलने में, और तुम लोगों मानने को राजी नहीं। इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया था, क्योंकि मैं जानता था तुम लोग को यहां बुलाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है। देखा ना कैसे भागे भागे चले आए यहाँ पे। अबे इतना भी क्या सस्पेंस यार, साला हम लोगों को बेहोश कर दिया। स्टूपिड। हाँ इसीलिए बेहोश कराया, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। अगर इस जगह के बारे में तुम लोगों को पता होता ना तो तुम लोग यहाँ आते और काम का कोई ना कोई बहाना बना के निकल लेते। गाइस मेरा एक बहुत अच्छा सा प्लान था कि हम लोग वापस से फिर मिले, वही कॉलेज की मौज मस्ती पार्टी अय्याशी फिर से करें, और ये जगह भी तुम लोग को दिखानी थी, कैसी लगी जगह। और हाँ ये जगह ना मैंने उस बुड्ढे अंकल से मिट्टी के भाव में खरीदी है, मिट्टी के भाव में। और बुड्ढे को बस मैंने फोन किया और बोला कि अरे इतना ब्यूटीफुल और इतना रोमांटिक खूबसूरत जगह का आप क्या करोगे, ये जगह तो हमारे जैसे हरामियों के लिए है। और इससे अच्छी जगह कहाँ मिलेगी अय्याशी करने के लिए बताओ। अय्याशी का सारा सामान मैं लेके आया हूं, दारू माल और बाबा जी की बोटी। रमन तुम्हारा तरीका बहुत गलत था, लेकिन बात तो सही है। सही बात। अब गाइस अब हम आ ही गए हैं तो करते हैं धमाल, फूकते हैं माल। यो यस यो कमाल कमाल गाइस, लेट्स डू पार्टी। ये समझ न आई इता तीता पीता बे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाई, तब जाके भेजे नहीं ये अकल लगाई। कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आई इता तीता पीता बे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाई, तब जाके भेजे नहीं ये अकल लगाई। कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आई इता तीता बीटा बे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाई, तब जाके भेजने ये अकल लगाई। ले दम ओ को दे दम ओ साला वक्त बचा है कम, ओ भर ले दम ओ को दे दम ओ साला वक्त बचा है कम। आधी पी ली आधी बची बोतल मेरे भाई, मैंने बोला विस्की तूने रम क्यों मंगाई, रम में था दम ऐसा असर ये लाई, आधी पी के दारू तेरी समझ में आई। आधी पी ली आधी बची बोतल मेरे भाई, मैंने बोला विस्की तूने रम क्यों मंगाई, रम में था दम ऐसा असर ये लाई, आधी पी के दारू तेरी समझ में आई। ओ भर ले दम खो दे गम, ओ सारा वक्त बचा है कम, ओ भर ले दम खो दे गम, ओ सारा मेरा जिंदड़ा खाए हिच खोला, मेरा भी थोड़ा मन डोला, तेरी बूटी बनी रसगोला, मेरा भी थोड़ा मन डोला। जोश जगा एक और बना है भरा हुआ वो डर तू भगा, झूठी दुनिया जाने दे तू मुझको मौज में आने दे। कॉलेज की
पढ़ाई साली समझ न आए, ईटा थीटा बीटा पे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाए, तब जाके भेजने अकल लगाए, कॉलेज की पढ़ाई साली समझ न आए, ईटा थीटा बीटा पे मतलब की लड़ाई, बाबा जी की बूटी भर के पेपर में बनाए, तब जाके भेजने अकल लगाए, अकल लगाए। Dum 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 are suno सुनो जाओ अंदर जाके सो जाओ और हाँ बंगले में बिजली नहीं है इसलिए लालटेन लेके जाओ Mm-hmm.
सूरज, रमन, कहाँ गए? निकिता, सूरज, निकिता, सूरज, रमन. ये देख आदि, क्यों अपना गला फाड़ फाड़ के चला रहे हैं? अब क्या हुआ? क्या हो गया? क्या लग गया? देख, खुद ही देख. What is this रमन यार? 3 o'clock night, standing watching TV. What is this? यार रमन, मजाक की भी हद होती है. इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है ना? अब मैं समझी, ये रमन ही था. इसने हम सबको मैसेज करके यहाँ बुलाया और इस फुटेज को दिखा के हम सबको ब्लैकमेल करना चाह रहा है. यस, करेक्ट. देख, इन सब में मैं नहीं फंसने वाला. मैं बस ना तुम सबको फंसा दूंगा. फंसा दूंगा और तुझे भी. समझा? बेवकूफ हो गए तुम लोग. ध्यान से देखो, इसमें मैं भी हूँ. हाँ, ये भी देखा. यार देखो, माना कि तुम लोग को सरप्राइज करने के लिए मैंने वो जो हाँ कॉलेज वाला फोटेज था ना, वो मैंने चलाया था. लेकिन यार ये फोटेज मैंने नहीं चलाया. जब बजे सील गए, यहाँ पे सील गए, अंधे हैं हम, देख नहीं सकते. अबे अंधे ही हो गए तुम लोग, सीधे खड़े रहो. फालतू का शक कर रहे हो मुझ पे यार. मैं क्यों चलाऊंगा ये फोटेज जबकि मैं खुद हूं इसमें? सारा मूड ऑफ कर दिया यार. देखो, मुझे आ रही नींद और मैं जा रहा हूं सोने. समझा? कल सुबह ब्रेकफास्ट पे बात करेंगे. ओके, गुड नाइट. अरे ऐसे कैसे गुड नाइट? कल सुबह बात करेंगे. ओके, गुड नाइट. नहीं, ऐसे कैसे गुड नाइट? अभी होगा मैटर सॉल्व. नहीं, ऐसे कैसे गुड नाइट? ए रमन, चलो. ए रमन को बुला के लाओ. गुड नाइट. रमन, तुम्हें ये फुटेज कहां से मिला? ये अच्छी बात नहीं है, दोस्ती में ऐसा नहीं होता. यार कितनी बार बोलूंगा, वो फुटेज मैंने नहीं चलाई. यार तुम लोग को यकीन ही नहीं हो रहा है. तो किसने? भूत ने चलाई? रमन, मुझे पता है तुझे इस तरह के सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं. अरे यार, अब हम सब लोग लाइफ के ऐसे स्टेज पर हैं कि और रिस्क नहीं ले सकते. कॉलेज की बात और थी यार, सो प्लीज स्टॉप इट नाउ. हाँ रमन, तुम करना क्या चाहते हो यार? मैं बताता हूँ ये क्या करना चाहता है. ये हमको ब्लैकमेल करना चाहता है. अभी भी इसके दिमाग में कुछ और है, दिखा कुछ और रहा होगा. और इस प्लान में योगिता भी शामिल है, तभी तो चुप बैठी है. पागल हो गया आदित्य, कुछ भी बोल रहे हो. अपनी जुबान को लगाम दे. इन सब में ना योगिता को इन्वॉल्व मत कर. क्यों ना इन्वॉल्व करूं? मैं बोल रहा हूं, तुम दोनों की जुगलबंदी समझ चुका हूं. मैं चुप नहीं बैठने वाला. यहां जिंदगी लगी पड़ी और तुम कह रहे हो मैं बोलूं भी ना. आखिरी बार बोल रहा हूं, वरना क्या? इसको चुप करा, मैं बोल रहा हूं. मुझे बताना, चुप करेगा कि नहीं? चुप करूं मैं? अरे एक रमन, दोस्ती बीच में आ गई, नहीं तो इस थप्पड़ का जवाब मैं भी देना जानता हूँ. रमन, क्या बचपन साला पागल हो गया है.
तुम सब लोग भी पागल हो गए हो। छोड़ अब बैठ। माफी चाहता हूं, मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन वहां आप लोगों का दोस्त खून की उल्टियां कर रहा है। आदि क्या हो गया? आदि क्या हो गया? आदि ओ शिट, आदि आदि, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? आदि ड्रग्स लिया है। कितनी बार बोला कि ज्यादा मत लिया कर। आदि उठना, आदि 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 मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था, मुझे नहीं करना चाहिए था। रमन ये झूठ मूठ के आंसू बंद कर और सच सच बता, सच सच बता कि तू क्या चाहता है। मैं जानता हूं कि ये सब तेरी करतूत है। आदि बिल्कुल ठीक कह रहा था, जरूर तेरे जहन में कोई घिनौना प्लान है, इसीलिए तूने हम सबको यहां पे बुलाया है। तू ये कह रहा है, मेरे ऊपर शक कर रहा है? यार मैंने कुछ नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं तुम लोगों को कब से बोल रहा हूं यार, कोई झूठ नहीं बोल रहा हूं मैं, फालतू का शक कर रहे हो मुझ पे, प्लीज यार। आदि जब से हम आए कुछ ना कुछ, कोई ना कोई सरप्राइज, कहीं पे भी कुछ ना कुछ तो हो रहा है। गाइस कम ऑन, मैंने कुछ नहीं किया। गाइस कम ऑन स्टॉप इट, ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब वो बुड्ढा कर रहा है। तुम सब मेरी बात पे यकीन करो, कम ऑन। ये बुड्ढा भी तो इसी का आदमी है। तुम सब लोग पागल हो गए हो, मैंने कुछ नहीं किया, यकीन करो मेरी बात का। तुम सब मेरी बात पे यकीन करो। क्या बकवास कर रही हो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? प्रूफ होता रमन मेरे पास, मैंने उसको अभी पॉइजन की पॉटल उठाते देखा है, लेकिन जब तक मैं वहाँ पे गई ना वो बुड्ढा था ना वो पॉइजन की पॉटल। तुम लोग मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ना सब वो बुड्ढा कर रहा है। तुम यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? और मुझे ऐसा लगता है कि आज उसने जरूर हमारे नाश्ते में कुछ ना कुछ तो मिलाया था, तभी आदित्य का ये हाल हुआ है। मेरी बात पे यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। अगर तू सच्चा है तो चल, पता करते हैं, पकड़ते हैं उसको। चल, चलो चल 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 चलो चल। मैं मुझ बूढ़े को जितना करना था कर लिया रॉबिन, मैंने इन लोगों को यहां बुला के अपना वादा पूरा कर दिया। अब आगे का तू संभाल लेना, मैंने इनकी कब्रें खोदनी शुरू कर दी है। देखो क्या कर रहा है, पूछो से चल के चलो। आराम से रमन,
ये सब कुछ जो हो रहा है वो तुम ही कर रहे हो ना? पागल हो गए हो रमन? भूल गए तुम कि मैंने ही तुम्हें यहाँ बुलाया है ये जगह देखने के लिए? रमन, तुझे लगता है तू इतने आसानी से पूछेगा और ये बुड्ढा तुझे सब बता देगा, या फिर तू जानना ही नहीं चाहता कि इन सब के पीछे कौन है? देख, मैं तुझे बताता हूं 2 मिनट के अंदर कि इन सब के पीछे कौन है। बेटा इसको बैठ। बता दे, जितनी जल्दी तू बताएगा ना उतनी जल्दी अपना और हमारा वक्त बचा लेगा। बता, पर बात क्या है? यही क्या, आदित्य की मौत कैसे हुई और हमें यहाँ क्यों बुलाया? और रॉबिन के मर्डर के बारे में क्या जानते हो? और टीवी पर वो वीडियो किसने चलाया? हाँ बोल, ये बुड्ढा ऐसा नहीं मानेगा। मैंने कुछ नहीं किया। और कौन कौन शामिल है इसमें, और रॉबिन का मर्डर फुटेज कहाँ है? मैं क्या जानू, और वैसे भी कोई जानकारी तुम लोगों के किसी काम की नहीं है। और हाँ, तुम लोग जीवित नहीं रहने वाले हो। अच्छा, बहुत जल्द मरने वाले हो। अच्छा, कौन मारेगा? तू मारेगा? तू मारेगा बुड्ढा? रुक रुक रमन, छोड़ छोड़ छोड़, तू मारेगा बुड्ढे? बेहोश हो गया लगता है, पर मरा नहीं है। शिट यार, अब क्या करें? बिना सब जाने तो नहीं जाएंगे, होश में आने का इंतजार करेंगे और क्या। यार आने दो होश में, फिर पूछता हूँ। वेट करते हैं। चलो बुड्ढे। बुड्ढे, अबे उठ। रमन बेहोश है। नौ बज गए रात के, बुड्ढे को होश ही नहीं है। हाँ यार, ये सब बहुत ही ज्यादा हो रहा है, और रमन को तो पता होगा यहाँ से बाहर जाने का रास्ता। चलो यार, यहाँ से निकल जाते हैं। निकलते? निकिता अपना आदित्य मरा है, तुमने टीवी पे खुद फुटेज देखा है रॉबिन को मारने का, और ये रमन बोलता कि उसने फुटेज चलाया नहीं है। समझ नहीं आ रहा है। यही तो कब से बोल रहा हूं मैं, ये फुटेज मैंने नहीं चलाया। अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख के दूं? सही कह रहा है वो फुटेज उसने नहीं चलाया है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना सब ये बुड्ढा कर रहा है, और वो वीडियो भी इसी के पास है। या तो इसने खुद चलाया है या फिर किसी और से चलवाया, और इसका मतलब कोई और भी है इसके साथ। हमने जब रॉबिन को मारा कोई वहां पे था, और ये वीडियो जरूर किसी के पास है। यार तुम लोगों ने एक बात नोटिस की, जब वो फुटेज चल रहा था तो बंगले में लाइट थी कि नहीं? शायद नहीं थी। हाँ तो फिर टीवी कैसे चलाया गया होगा, समझ नहीं आ रहा। गाइस, तुम सबको कोई आवाज आ रही है? कौन सी आवाज? कोई आवाज नहीं है।
रमन आवाज आ रही है, ध्यान से सुनो। अनामिका तुम्हें कोई आवाज आ रही है? सूरज तुम्हें? निकिता तुम्हें? कैसी आवाज? गाइस तुम सब ना बहरे बने आ बैठे रहो, कोई देखेगा भी जाके कि कौन है? मैं खुद ही जाके देख लेती हूँ। अरे एक मिनट रुको, चल जा। अरे यार चले जा, जा जा जा। चल यार देखते हैं। ओह शिट, इसको होश आ गया। बता बुढ़े ये सब कौन कर रहा है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? वो क्या था, क्या हुआ, तू कर रहा है ना? बता मन, बता रमन, वो बेहोश है। ये क्या? मेरा फोन कहाँ है? उठा स्पीकर पे लगाओ। योगिता, कोई भूत भूत नहीं है, योगिता को चमगादड़ों ने खाया था। चुप, ये देखो कि वो वीडियो कैसे चला। यस, पता लगाओ, पता लगाओ। Shit! ये कैसे चला? मुझे क्या पता? वाईफाई? तूने ये वीडियो कब बनाई? सैटेलाइट से चला रहे तू? बकवास बंद कर! मुझे क्या पता कैसे चला ये? तो सरप्राइजेस, मौत के मुंह में लाके खड़ा कर दिया तूने। बकवास बंद कर, मैंने क्या किया? पागल हो गए तुम सब लोग? पागल नहीं, सूरज बिल्कुल सही कह रहा है। हर बार तुम्हारे तुम्हारे प्लान की वजह से हम लोग फंस जाते हैं यार। अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हो यार? ये सोचो कि बिना पावर के टीवी कैसे चला, और रॉबिन के मर्डर से बुड्ढे का क्या लेना देना है? रॉबिन मेरा बेटा था, मैंने ही ये जगह रमन को कौड़ियों के भाव बेचकर तुम सबको यहाँ बुलाया है, जहाँ आज भी मैं और मेरे रॉबिन की आत्मा साथ साथ रहते हैं। वो आज भी मुझसे बाबा बाबा कहकर बात करता है। मैं आज भी रॉबिन को समझता हूँ। मेरा रॉबिन हमेशा से एक शांत लड़का था, लेकिन मैं उसके हर एहसास को पढ़ सकता था। आखिर क्या बिगाड़ा था रॉबिन ने तुम्हारा? क्यों मारा तुमने रॉबिन को? आखिर क्यों, बताओ? अच्छे द्योयम् अदायोयम् एकलोद्य शोष्य वच नित्य सर्वगतः स्थानुर अचलोयम् सनातन। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। आपस में एक दूसरे का नाश करने वाले पंचभूत भी आत्मा का नाश करने में असमर्थ हैं। इसलिए आत्मा नित्य है। अनामिका,
मेरा रॉबिन तो तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन उस बेजुबान पर भी तुमने तरस नहीं खाया, उसे मार दिया, क्यों? हमारा रॉबिन को मारने का कोई इरादा नहीं था, वो तो बस एक हादसा था। मैं जानती थी रॉबिन मुझसे प्यार करता था, लेकिन रॉबिन मेरे लिए कोई मैच नहीं था। पर वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं था। हाय, लो आ गई अपनी हीरोइन। हाय, हाय गाइस। हाय, व्हाट्स अप? हाय, व्हाट्स अप? और क्या बस चिल मार रहे हैं? टाइम क्या हुआ? दोपहर। अच्छा, मुझे नहीं पता। लो आ गया फोन तू। ओहो, और रॉबिन भाई क्या म्यूजिक बजा रहे हो, किसके लिए? ओ क्या बात है यार, तुम लोग भी इसके जैसा पागल हो रहे हो। सुन लो बच्चे, ये टुनटुना किसी और के लिए बजाना, क्योंकि मेरी चॉइस इतनी डम नहीं है। लेकिन उसका प्यार धीरे धीरे पागलपन बनता जा रहा था, और एक ऐसा पागलपन जो उस मासूम से कुछ भी करवा देता। क्या है ये? पागल हो गए हो तुम? समझ में नहीं आता तुम्हें? एक दिन जब उसने अपने खून से लेटर लिख दिया तो मेरा गुस्सा बेकाबू हो गया। बच्चों, अपने लेवल की लड़कियों को लाइन मार, तेरा यहाँ कुछ नहीं होने वाला। मैंने उसे हर तरीके से समझाने की कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उसका ये पागलपन उससे भारी पड़े। एक दिन वो मेरा पीछा करते करते ऐसी जगह आ गया जहां उसे नहीं आना चाहिए था। रमन, सूरज, निकिता, योगिता, आदित्य कॉलेज से पास आउट होने के बाद भी ड्रग्स का धंधा करते थे। और मैं भी उनके साथ थी। और उस दिन रॉबिन ने वहां आकर हम सबको ड्रग्स बेचते हुए देख लिया। छे, ये डम यहां क्या कर रहा है? और वो प्रिंसिपल और पुलिस से हमारी शिकायत करने की बात करने लगा। फिर हम बहुत डर गए। इससे पहले हम कुछ समझ पाते, बात इतनी बढ़ती चली गई कि इन सब ने उसको ड्रग्स का ओवरडोज देके मार दिया। हम ऐसा करना नहीं चाहते थे, और इन सब की एक गलती थी जो हुई नहीं थी कि बस होती चली गई। और सबको लगा कि ये ड्रग ओवरडोज का केस है। उसके बाद हम लोग 4 साल तक एक दूसरे से नहीं मिले। Okay. तो पकड़ इसको, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है। रॉबिन आज भी तेरे साथ यहां रहता है, तू आज भी उसको अपने हाथों से खाना खिलाता है, तू आज भी उससे बातें करता है। तो बुला ना, बुला बेटी की आत्मा। बुढ़े, तेरी स्टोरी में बहुत हॉरर है।
लेकिन मुझे हॉरर नहीं, एक्शन पसंद। थैंक यू सूरज भाई, एक बार फिर साथ देने के लिए। परेशान कर दिया था। ये तो गया। इस बुड्ढे का काम तो खत्म और मेरा फायदा। सच में कहीं रॉबिन का भूत तो नहीं आएगा? आने दो भूत को। ये कहां से आ रहा है? क्या हो रहा है? भागो, भागो, अमन, निकलो। अनामिका, जल्दी, जल्दी। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो? होश कहाँ है तुम्हारा? अपनी ही करनी का फल है, नेक की रुसवाई है, आप ही के संग चलेंगे आपकी परछाइयां। मैं रॉबिन। कोई रॉबिन नहीं है। अगर रॉबिन होता तो अपने बाप को नहीं बचा लेता। ये क्या किया तुमने? क्यों यकीन नहीं होता? अब यकीन दिलाता हूं। क्यों कर रही हो नामिका? निकिता को मार दिया, आप मेरे जान के पीछे पड़े हो। गोस्त तो तुम हमारी।
मैं रॉबिन, अनामिका मेरे साथ है और बहुत जल्द तुम भी मेरी दुनिया में आने वाले हो, यकीन करो। मेरा बहुत सुकून है यहाँ पे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।